किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर YouTube चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम सीधी बिजाई पर मतलब DSR पद्धति पर विशेष चर्चा करेंगे और उनके क्या क्या सावधानी है बरतनी पड़ती है और कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन लिया जाता है सीधी बिजाई से, उसी पर आज चर्चा करेंगे। किसान साथियों मैं लगभग 5 सालों से DSR मतलब सीधी बिजाई कर रहा हूँ। करीब 10 बार मतलब रबी और खरीफ करके करीब 10 बार सीधी बिजाई कर चुका है और उसमें मेरे को क्या क्या समस्या झेलना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे मैंने एक अच्छा प्रोडक्शन लिया, उसको सक्सेसफुल बनाया, इसी पर आज वीडियो बताऊंगा। और मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऐसे बहुत सारे YouTube द्वारा वीडियो देखे हैं सीधी बिजाई का, तो उससे मेरे को समझ में आया कि हर जो यूट्यूबर है वो अलग अलग तरीके से सीधी बिजाई के बारे में डिटेल में बताते हैं लेकिन अपना अनुभव कोई शेयर नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में अपना अनुभव शेयर करूंगा। सीधी बिजाई मतलब सीधी बिजाई जैसे हमारे दिमाग में आता है तो मन में एक बन जाती है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देगी, वो रोपाई जो हम रोपाई करते हैं नर्सरी डालते हैं जो जिस तरीके से हम सीधी बिजाई में रोपाई विधि में जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं उस तरीके का प्रोडक्शन जो है सीधी बिजाई में नहीं ले सकते क्योंकि सीधी बिजाई एकदम सरल मेथड है और उससे ज़्यादा उत्पादन होती भी नहीं है, ऐसे किसानों का मानना है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लगभग 5 सालों के अनुभव से, कि मैंने सीधी बिजाई में भी 36 क्विंटल तक प्रति एकड़ प्रोडक्शन लिया है अपने मैनेजमेंट से, तो उसी के बारे में शेयर करूंगा। सीधी बिजाई पर मैं ऐसे बहुत सारे अभी वीडियो बनाऊंगा, लाइन से आपके साथ वीडियो शेयर करते जाऊंगा। ये खाली मुख्य जो पॉइंट है सीधी बिजाई पर, इस वीडियो में हम फिलहाल उसी पे चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में लाइन से लाइन स्टेप बाय स्टेप सीधी बिजाई के बारे में इतनी मतलब विस्तार से बताऊंगा कि आपको डिटेल में समझ आ जाएगी और आप फिर सीधी बिजाई से भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे, जैसे कि मैंने 36 क्विंटल तक सीधी बिजाई से प्रोडक्शन लिया है। अभी तक रोपाई में भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने पर 36 क्विंटल उत्पादन नहीं आता जो कि मैं सीधी बिजाई में लेता हूँ। अब बात करेंगे कि ये सीधी बिजाई के क्या होता है। सीधी बिजाई मतलब डायरेक्ट सीड को जो है हम रोपाई विधि में पहले रोपा लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद फिर मुख्य खेत में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। सीधी बिजाई में डायरेक्ट धान की बुआई कर दिया जाता है। सीधी बिजाई में 2 पॉइंट होता है, एक तो सूखा बुआई और गीला बुआई। सूखे बुआई में खेत की जुताई करके डायरेक्ट उसमें जो है अपने धान को छिड़क दिया जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और गीले बुआई में गीले खेत में अंकुरित धान को बुआई किया जाता है। इसमें सीड ड्रिल से भी बुआई किया जाता है और सीड ड्रम विधि से भी बुआई किया जाता है और लेबर द्वारा हाथ से ही छिड़क कर दर बतर विधि द्वारा भी बुआई किया जाता है। इसमें जो है मुख्य जो हमको समस्या जो आती है सीधी बिजाई में, वो सबसे पहले समस्या आती है धान सही तरीके से जर्मिनेट नहीं होने का, धान जो है खरपतवार की समस्या, खाद प्रबंध की समस्या, कल्ले कम बनने की समस्या और लास्ट में धान गिरने की समस्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे समस्या आती है। हम धान की सीधी बिजाई पर और आने वाले वीडियो में हमारे इन सभी पॉइंटों पर विस्तार से बात करेंगे, जैसे कि धान को सही बीज का चुनाव करने में टॉपिक में, उसके बाद धान को उपचारित के टॉपिक में, धान को सही तरीके से अंकुरित करने के टॉपिक में, खरपतवार के टॉपिक में, खाद प्रबंध के टॉपिक में, सिंचाई प्रबंध के टॉपिक में, उसके बाद कीटनाशक प्रबंध के टॉपिक में और धान के पकते तक वाला जो पूरा विस्तार से कटाई तक बात करेंगे। तो उसमें हम हर हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक में आपको सीधी बिजाई के बारे में डिटेल में बताते जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते जाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे कृषि यूट्यूबर द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा जो एक ही वीडियो में शॉर्टकट में सीधी बिजाई के तरीके को समझा देते हैं
और फिर किसान उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो हम लोग अलग अलग वीडियो में हर हर एक अलग अलग टॉपिक को लेकर जो है वीडियो बनाएंगे। सीधी बिजाई में आपको जो है खरपतवार सबसे मेन समस्या आती है, खरपतवार की जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो खरपतवार के लिए आप जो है प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस को कब छिड़काव करना है उसके बारे में भी डिटेल में जो खरपतवार नियंत्रण वाली जो वीडियो आएगी उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। कीटनाशक प्रबंध में बात करेंगे। कल्ले फुटाने के लिए सही तरीके से खाद के बारे में भी बात करेंगे। सीधी बिजाई में आपको कम से कम खेत की तैयारी के समय 2 ट्राली गोबर की खाद देना अति आवश्यक होता है, जिससे आपकी जो है जैविक जो आपकी मिट्टी का भी सुधार होता है और एक जैविक तरीके से उसकी खाद की उपलब्धता हो जाती है। तो हमेशा खेत की तैयारी के समय सीधी बिजाई में 2 ट्राली गोबर की खाद देना अति आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर खरपतवार को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ता है और कल्ले बनते समय उसमें जो है खाद का प्रबंध है वो भी बहुत तरीके से आपको ध्यान में रख के देना पड़ता है। साथ ही साथ जो सिंचाई का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको चलाना पड़ता है, तब एक अच्छा जाके प्रोडक्शन मिलता है। कल्ले बढ़ाने की जो बात आती है तो जो अब से सीधी बिजाई में जो खरपतवार को आपने 0% नियंत्रण कर लिया तो आपके खेत में बहुत ज़्यादा कल्ले फूटेंगे। अगर आपके खेत में खरपतवार है तो कल्ले फूटने की समस्या बहुत दिक्कत आती है, धान जल्दी ग्रोथ नहीं करता, फुटाव नहीं होता। तो आपको खरपतवार को नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप जैसे ही धान की बुआई करें उससे 1 से 2 से 3 दिनों के अंतराल आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालना होता है। उसके बाद जो है आपके खरपतवार कुछ नियंत्रण नहीं होते, कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको 15 दिनों बाद जो है पोस्ट इमरजेंस का प्रयोग करना पड़ता है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का। उसमें जो है पोस्ट इमरजेंस में अब जैसे नामनी गोल्ड हो गया, आलमिक्स हो गया, ऐसे 2,4-D हो गया, ये सब पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। तो इन सब बारों में आने वाले वीडियो में मैं जो है डिटेल से आपको हर एक वीडियो में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूँगा। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को सीधी बिजाई के बारे में और जो है विस्तार से खेती बाड़ी संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आपको जानकारी लायक कुछ भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।